राम राम भाई सारे, मेरा नाम यश चाहर है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो जो होने वाली है बेसिकली बाइसेप्स के ऊपर होने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डंबल के थ्रू हम अपनी बाइसेप्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे पीक पे ला सकते हैं। सब देख रहे होंगे ना ये पीक पे है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लगभग लगभग 8 से 9 एक्सरसाइज बताऊँगा डंबल की, जिसमें से जो स्टार्टिंग की 4 होंगी वो मेरी मास्टर सेट होंगी, मतलब वो मास्टर एक्सरसाइज हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग की 4 है उनको कभी स्किप मत करना, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स को पिक देने के लिए। ओके, तो 4 एक्सरसाइज सबसे पहले देखें, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप और कर सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं वो एक्सरसाइज को, बट स्टार्टिंग की 4 है उनको आप स्किप मत करना। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ एक्सरसाइज मैटर नहीं करती है, बॉडी बनाने के लिए सबसे मेन जो आपका होता है वो होती है डाइट। डाइट को कभी भूलो मत, डाइट करो, अपना वर्कआउट करो, और थर्ड चीज़ सप्लीमेंट। ये 3 चीज़ अगर होंगी तो आपकी बॉडी अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगी। फर्स्ट इज़ डाइट, सेकेंड इज़ वर्कआउट, एंड थर्ड इज़ सप्लीमेंट, जो आपकी बॉडी को पंप भी देगा वर्कआउट, देन उसको जो प्रोटीन से जो आपके मसल्स टूटते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, तो सप्लीमेंट जो होता है उस मसल्स को, जो टूटे हुए मसल्स होते हैं उसमें अपना पावर दिखाता है, अपना योगदान देता है सप्लीमेंट जो होता है, देन आपको ये पंप मिलता है, और इसी चीज़ को स्टेबल करने के लिए हम सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। सो बिना देरी करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है अल्टरनेटिंग डंबल कर्ल। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 1, 2, 3, 4 आप ऐसे करेंगे, बट इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि हाथ को पूरा नहीं हिलना चाहिए आपका, ऐसे नहीं हिलना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं ना तो आप ऐसे नहीं, मतलब पूरा आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए, ये हाथ नहीं हिलना चाहिए, ये हाथ यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए एल्बो तक। एल्बो के बाद आप इसे ट्विस्ट करिए, अपने आप जो आपका जोर होगा वो पीक पे आएगा। 2, 3, 4 तो ये वाला जो वर्कआउट हो गया पहला, ये आप कर सकते हैं 12 से 15 रेपिटेशन ही कर सकते हैं, और ये 4 सेट लगाने हैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू योर वेट आप कितना ले सकते हैं, 5 किलो भी ले सकते हैं, 7.5 किलो भी ले सकते हैं, 2.5 किलो भी ले सकते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ है 10 किलो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये मास्टर एक्सरसाइज है, तो मैं आपको टोटल एक्सरसाइज भी बताऊँगा, लगभग 8 से 9 एक्सरसाइज बताऊँगा डंबल की, जो घर बैठे बैठे आप डंबल से कर सकते हैं। ये है कि जो आप करें तो यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए, ये मूव नहीं करना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। जो आप ये लॉक रहेगा ना तो आप करेंगे तो उसका जोर अपने आप ही इस पर पड़ेगा बाइसेप्स पे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। सेकेंड है जो आपकी वो है कंसंट्रेशन कर्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपको बताता हूँ कंसंट्रेशन कर्ल कैसे करते हैं। जो आपको एल्बो है ये आपको यहाँ पे रखनी, ना अंदर रखनी है ना बाहर रखनी है, थोड़ा बॉर्डर पर रखनी है, देन ये थी कंसंट्रेशन कर्ल। अब थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है डंबल हैमर कर्ल। हैमर कर्ल के लिए स्ट्रेट, देन वी डू दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपको बताई थी वो, उसमें आपको डंबल की शेप ऐसे रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और जो हैमर है उसमें ऐसे रही, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका भी जोर आपका बाइसेप्स पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 3 एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें आपको कैसे कैसे करनी है। 15 रेपिटेशन करने हैं जो भी आप करना चाहें एक्सरसाइज, या फिर आप अल्टरनेट डंबल कर्ल करें, या फिर हैमर कर्ल करें, या फिर कंसंट्रेशन कर्ल करें, उसमें आप 15 रेपिटेशन लें 4 सेट के, कम से कम 4 सेट लें। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको वो हमेशा ऐड रखना अपने वर्कआउट में। जो फाइनल 4th वाली में बता रहा हूँ मास्टर सेट की, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ऐसे लेना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 7 देन अब आपको ऊपर लेना है हाफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट एंड नॉट लीस्ट ये अब पूरा लेना है आपको 3, 4 अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो ऑप्शनल है आप करना चाहें तो कर सकते हैं और ना आप स्किप कर सकते हैं बट स्टार्टिंग इट वॉज कभी स्किप मत करना ठीक है फिर से दोहराता हूँ डंबल बाइसेप्स कर इसमें वही है नॉर्मल एक साथ लेना है पूरा ये फिर भाई अब है छठवीं एक्सरसाइज जिसका नाम है रिवर्स डंबल कर्ल ओके पहले हम डंबल को यूँ दे रहे थे बट अब हमें डंबल को यूँ रखना है ठीक है देन वी डू दिस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप 15 रेपिटेशन करें इसके भी आप 4 सेट लें एंड लास्ट नाउ को बताना चाहूँगा जो कि है 7th एक्सरसाइज जो कि है इंक्लाइंड डंबल कर्ल इसमें क्या करना है आपको थोड़ी सी बॉडी अपनी इंक्लाइंड करनी है यहाँ पे कुछ है नहीं इंक्लाइंड करने के लिए सपोर्ट नहीं है तो आप अपनी वॉल से भी इंक्लाइंड कर सकते हैं इस तरीके से देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओवरऑल आपकी बॉडी को थोड़ा सा इंक्लाइंड होना है थोड़ा सा इंक्लाइंड होना है जब करेंगे तो जो जोर है वो अपने आप ही आपके बाइसेप्स पे आएगा तो भाइयों ये मेरी सारी एक्सरसाइज थी विद डंबल्स ओनली जो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स के लिए थी तो आपसे मैं कहना चाहूँगी अगर ये एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में ऐड करते हैं हफ्ते में 2 बार सिर्फ हफ्ते में 2 बार आप इसको ऐड करें इसको करें रेगुलर जिस हिसाब से मैंने आपको बताई है और मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ ये वाली बात कि 1 महीने में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा आपकी बाइसेप्स ग्रो होंगी कंफर्म होंगी क्योंकि ये सारे मास्टर सेट थे जो मैंने आपको बताया ये सारी वीडियो जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी इस वीडियो में पसंद आई होंगी अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैंने काफ़ी यूट्यूबर देखे हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं जो कुछ नहीं सिर्फ डांस करते हैं मुजरा कर रहे हैं फालतू की कॉमेडी कर रहे हैं बकचोरी कर रहे हैं फालतू की वो भी मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ एक नॉलेजेबल कंटेंट है होप करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर नहीं आती है तो आप चैनल सब्सक्राइब मत करना अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को थैंक यू सो मच आप मुझे सपोर्ट करें ओके थैंक यू राम राम